अच्छा लेकिन साल की तरह केक खाते हैं हर बर्थडे में इतनी मजा आ चेहरा चमकने लगे। देखिए एक इतना आपका बर्थडे जबरदस्त है कि ये थारी जी मनोज मुखर्जी जी चेरी दीजिए चेरी ये बहुत बड़ा है इतना चाहिए उतना ही लीजिए। थैंक यू। हां कौन जी हैप्पी बर्थडे आइए 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 आज का बर्थडे मेरे लिए खास रहा सेलिब्रिटी के साथ। पकड़ो इसको ये फोल्ड हो गया बुलाइए उसको ये दिक्कत कर रहा है सेट कर लीजिए से तरीका है सब। हाँ सर बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म आ रही है बाजी किस चीज पर बेस्ड है किससे सवाल कर रहे हैं राकेश भाई से मुझसे आपसे जी बताएं बेस्ड किस चीज पर है अक्सर मुझे वाइट देखा जाता है कि वाइट में लीजिए ना ठाकुर एक मिस्ट्रेस के जो पापा होते हैं फिर हीरो पर आपत्ति जताते हैं बेस्ड क्या है मैडम कुछ कहेंगे सॉरी आपने हाल में कुछ मुश्किल फिल्म देखी है नहीं देखी पर आपको कहने का ये कोई हक नहीं है पूरे भोजपुरी का इतिहास बनाकर आपने गलती किया है नहीं बहुत कम अनुभव है और आपने बहुत पसंद किया है हाँ ये पूछते हैं ये अच्छी बात थैंक यू। सब्जेक्ट लव स्टोरी है इंटेंस लव स्टोरी है एक्शन के साथ है ठीक है और कुछ भी नया नहीं है फिल्म में। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ अलग से कुछ फिल्म बना रहा हूँ वही कहानी है जो हमने देखी है बचपन से सुनी है पर हम अलग ढंग से कह रहे हैं उस बात को और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक मतलब जानी समझी कहानी जिससे आप हम सब रूबरू हैं उसको एक नए अंदाज में नए ढंग से कह रहे हैं। हम एक एंटरटेनमेंट फिल्म बना रहे हैं हमारा मकसद किसी को उपदेश देना सिखाना नहीं है हमारा मकसद है आपको एंटरटेन करना। लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता का भी आरोप लग रहा है इससे कितने बचे हैं आप संजय जी सबकी अपनी अपनी सोच है सबके अपने तरीके हैं देखने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं बनाने वाले हैं तो देखने वाले हैं हम लोग नहीं आते उस खाके में कहीं बोल रहे हैं सब बेकार हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर ये आकर ये इंडस्ट्री का समझ नहीं आ रहा ना भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनने जा रहा हूँ नो कमेंट। हमारा एक सवाल है आपका एक अक्षरा जी से अक्षरा जी आपका एक गाना अभी कुछ दिन पहले राकेश मिश्रा जी के साथ रिलीज हुआ था बलमुआ कुछ करके जो कि संस्कृति मैरिज गार्डन पे एक शूट हुआ था राइट जो कि रात का शूट था उस गाने पे लगा जब वो रिलीज हुआ उसके कुछ ही देर बाद